ये भारत का दुर्भाग्य है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री मिला जो झूठ पर झूठ झूठ पर झूठ झूठ पर झूठ। अरे भाई शर्म कीजिए, कितना झूठ बोलिएगा। इस बार मोदी जी बोलेंगे भाइयों एवं बहनों, इस बार राम मंदिर मैंने बनवा दिया ना, भाइयों एवं बहनों बनारस कॉरिडोर बना दिया ना, लेकिन पता है एयरपोर्ट नहीं बन सकता है। मोदी जी से वो आग्रह करेंगे कि एयरपोर्ट चालू अगर नहीं हो सकता है तो पता ही बस एयरपोर्ट चालू कर दे, बस अड्डा चालू कर दे। अच्छा, मोदी जी मुजफ्फरपुर आ रहे हैं वैशाली और मुजफ्फरपुर सीट बचाने के लिए, महात्मा जी क्या लगता है प्रधानमंत्री आ रहे हैं? अरे भाई वैशाली तो क्लियर है। अच्छा, वैशाली का लाल, वैशाली क्लियर है। मुन्ना मैं करीब करीब 5 लाख वोट से रिकॉर्ड तोड़ वोट से बीना देवी को गर्दन उड़ा के मुन्ना शुक्ला भारी बहुमत से पूरे बिहार में टॉप स्थान से जीत रहे हैं। अब रही बात, आप कह रहे हैं मुजफ्फरपुर को उड़ाने आ रहे हैं कि धीरे धज्जी उड़ाने आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर के जनता जान रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री धोखेबाज हैं। आज अपने मुंह से बोल के गए थे जब पता ही हवाई अड्डा चालू होगा, अभी तक चालू नहीं हुआ। पहले जो वादा किए थे उसको पूरा किए नहीं, लेकिन इस बार आ रहे हैं, लगता है घोषणा करेंगे कि यहाँ से रनवे चालू हो जाएगा। आज तक भारत में जो जो वादा किए उन्होंने कुछ नहीं किया, वही किए जिससे उनको अपना कुर्सी बच जाए। भारत के प्रधानमंत्री अपने मुख से बोलते हैं कि हमारी अगर सरकार इस बार आएगी तो बिहार का पता ही एयरपोर्ट चालू कर दिया जाएगा, एकदम इंटरनेशनल हवाई अड्डा चालू होगा। किस मुंह से बोले कि आज तक वहाँ एक हेलीकॉप्टर नहीं गिर रहा है, और इस बार फिर वो पब्लिक के धोखा देंगे। अभी 3 जगह का इलेक्शन हुआ है, इनका सोपड़ा साफ है, कुछ बोल रहे हैं, कभी मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, कभी भैंसी छीन लिया जाएगा, कभी कुछ कर दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री का शोभा कभी नहीं देता है, भारत का दुर्भाग्य है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री मिला जो झूठ पर झूठ झूठ पर झूठ झूठ पर झूठ। अरे भाई शर्म कीजिए, कितना झूठ बोलिएगा। मोदी जी पता ही हवाई अड्डा रहे हैं, पिछला बार बोल के गए थे कि पता ही रनवे चालू करेंगे, चालू नहीं हुआ, क्या कहिएगा? मोदी जी तय तीसरा रैली है पता ही एयरपोर्ट पे। हाँ, उन्होंने इस बार पिछला बार बोला कि पता ही एयरपोर्ट इस बार चालू होगा। इस बार मोदी जी बोलेंगे भाइयों एवं बहनों, इस बार राम मंदिर मैंने बनवा दिया ना, भाइयों एवं बहनों बनारस कॉरिडोर बना दिया ना, लेकिन पता ही एयरपोर्ट नहीं बन सकता है। मोदी जी से वो आग्रह करेंगे कि एयरपोर्ट चालू अगर नहीं हो सकता है तो पता ही बस एयरपोर्ट चालू कर दे, बस अड्डा चालू कर दे। अच्छा, मोदी जी से पता ही एयरपोर्ट चालू नहीं होता है, नहीं होगा? अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी जी से चालू नहीं होगा। अच्छा, यदि चालू नहीं होता है तो क्या आप लोग किसका रुझान किधर जाएंगे? हम लौटा देंगे, नोटा देंगे, नोटा पर सोटा चलेगा इस बार। अच्छा, का है दोनों कैंडिडेट में से कोई अच्छा नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, निषाद जी भी तो 10 साल रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाए। ये दत्त राजभूषण निषाद है तो इनको हम लोग उतना नहीं जानते हैं। अच्छा, आप किसी को वोट क्यों नहीं देना था, किसी को तो दीजिए महाराज। आप बोल रहे हैं तो हम किसी को वोट देंगे तो हमारे ही पंचायत के सुधीर ओझा अधिवक्ता है। हाँ, उन्होंने नाव छाप से आए हैं, उन्हीं को वोट हम लोग देंगे। हम मुजफ्फरपुर के लोकसभा के जनता से आग्रह करेंगे कि उन्होंने अपना एक एक बहुमूल्य वोट सुधीर ओझा को नहीं दिया जाए। सुधीर ओझा को? जी जी, सुधीर ओझा अधिवक्ता है। अच्छा, वैशाली लोकसभा सीट पर क्या होने वाला? वैशाली लोकसभा सीट में कुछ नहीं होने वाला है, मुन्ना शुक्ला 4 लाख वोट से जीत रहे हैं। 4 लाख? 4 लाख वोट से जीत रहे हैं। काहे? बिना देवी काम नहीं किए? नहीं, वो उन्होंने कुछ नहीं किया 5 साल में, मतलब जनता से मिलने का भी काम नहीं किया। अच्छा, तो ये तो आप लोग न्यूज में देखिए रहे हो ये कि क्या ऊंचा स्थिति है, नहीं है। और मुन्ना शुक्ल जनता बीच में रहते हैं, नीचा में ही बैठते हैं, पलथी मार के माटी में ही बैठते हैं, गरीब लोग के भी पता करते हैं कि हाँ ये गरीब है उसके बारे में पता करते हैं, पता के लगवाते रहते हैं। कहीं 5 साल विधायक थे यहाँ लालगंज का, किसी को एम्स में जरूरत पीएमसीएच में जरूरत पड़ता था तो एक फोन पे उनका काम होता था, लेकिन वैसा बिना देवी में कुछ नहीं है। बिना देवी कर रहे हैं, बहुत काम किए हैं। काम किया है तो सरकार को उनको वोट मिलना चाहिए ना, तो 24 तारीख को रिजल्ट मालूम हो जाएगा कि उनको क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि वहाँ द्वार बहुत बनवाए हैं, फैमिली मुन्नामय हो गया है, पूरा वैशाली मुन्नामय हो गया, दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है टक्कर में, मुन्ना की टक्कर में कोई नहीं नहीं है। प्रधानमंत्री रोड शो करने आ रहे हैं पटना, मुजफ्फरपुर आएंगे। दुर्भाग्य है बिहार में 16 वो प्रोग्राम कर रहे हैं, आज तक किसी भी
के प्रधानमंत्री एक स्टेट में इतना प्रोग्राम कोई नहीं किया है। जब उस बखुला जाता है लोग, अरे जनता से मिल रहा है ना, जनता से, जनता के विकास के लिए आपको मिलने की जरूरत नहीं था। जब इलेक्शन आया तब आपको जनता का ख्याल आया है क्या, कुर्सी बचाना है ना। इलेक्शन से पहले एक भी प्रोग्राम बिहार में हुआ है बताइए आप पत्रकार है? मन की बात तो कहते हैं, वो अपनी मन की बात कहते हैं, शायद उनकी पत्नी तो है नहीं, वो माँ थी वो मर गई, मातारी के श्राद्ध में केसो नहीं छिलाए, पत्नी है ही नहीं, 12 है, तो मन की बात किसको कहेंगे। इसलिए मन की बात करने जनता के आते हैं, अपनी मन की बात जनता को कहते हैं। अच्छा पता ही उपाय क्या है, पता ही हवाई अड्डा उड़ान भरने की घोषणा कर देंगे, नहीं हो सकता है, पता ही निवासी हम लोग मोदी ये बस के चीज नहीं है। वो यहाँ का लोकल ही कैंडिडेट कोई भी करेगा, मोदी जी तो झूठ साबित हुए, पूरे देश का लोग जान रहा है कितना वो झूठ बोले हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ। अरे वर्ल्ड लेवल का मीडिया कह रहा है जो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपना झूठा किसी भी कंट्री का प्रधानमंत्री नहीं है। आप भाई तो कह जाए तो मोदी जी बोलते हैं वो करते हैं, आप कह रहे हैं झूठा है, बोलते हैं तो करते हैं तो सही ना कहे हैं, वो कहे हैं ना, वो चाइना के जैसा करेंगे। अगर बीजेपी की सरकार इस बार बनेगी तो महिला की मंगलसूत्र छीना जाएगा, बीजेपी की सरकार इस बार बनेगी तो दू गो भैंसी रहेगा तो वो भैंसी बीजेपी वाला छीन लेगा आपको, बोले है कि नहीं हो, यही ना बोले है सरपति आपका, वो बोले हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की तब छीना जाएगा। मोदी जी उल्टा करते हैं, अच्छा मोदी जी उल्टा करते हैं। अब आप लोग को चाहिए मोदी जी के फोटो घर में लगाइए, शंकर भगवान का, राम जी का फोटो हटाइए और मोदी जी का फोटो, महाराज 400 के पार कर रहे हैं भाजपा, वही ना अगरबत्ती दिखाना होगा, नहीं तो चाइना में केस भी कटवाना पड़ता है राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के मर्जी से, बच्चा को पढ़ाना भी पड़ता है प्रधानमंत्री के मर्जी से, घर भी बनाना पड़ता है प्रधानमंत्री के मर्जी से, जैसा प्रधानमंत्री आदेश करेगा वैसा आपको घर बनाना होगा, उसी तरह मोदी जी चाह रहे हैं। महात्मा जी, मोदी जी बोले हैं यदि आपके पास दो सामान है तो एक सामान छिना जाएगा यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो। हाँ सही कहे हैं, सही कहे हैं, कहे जो कुछ भी कर सकते हैं, चाइना में देख रहे हैं ना, चीन में सरकार का जो आदेश होता है वही जनता को करना पड़ता है, तो मोदी जी वही चाह रहे हैं, वो सही कहे हैं, वो बोले इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तब ऐसा होगा। नहीं नहीं नहीं, उनकी सरकार अगर बनेगी, बीजेपी की सरकार इस बार अगर बन जाएगी तो भारत सरकार से जो फरमान लागू होगा वही भारत के जनता को करना होगा, उनके कहने की मतलब है। मोदी की गारंटी है, क्या गारंटी है, 15 लाख रुपया वो वादा किए थे क्या, 15 करोड़ रुपया पर जनता को मिला, वो सब जुमला है, सब पेपर पर ही है, काला धन वापस लाए ना, कुछ नहीं आया आपके खाता में, आया काला धन वापस जब आता तो हमारे भारत के जनता को अकाउंट में पैसा आता, तो बहुत कुछ घोषणा किए ठीक उसके विपरीत करते हैं वो।